एनिमे के हर एक नए सीजन में हमें बहुत सारे एक्साइटिंग एनिमे देखने को मिलते हैं, और वही सीन नेक्स्ट मंथ में भी होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे लिए बहुत सारे एक्साइटिंग एनिमे ऑलरेडी लाइन अप्ड है। इस सीजन में हमें कुछ बहुत अमेजिंग एनिमे देखने को मिले लाइक विंड ब्रेकर और काइजू नंबर 8। लेकिन एनिमे के मीडियम ने हमारे लिए नेक्स्ट सीजन में ऐसा क्या रखा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आने वाला एनिमे है ओशिनोको सीजन 2। यस, ओशिनोको सीजन 2 नेक्स्ट मंथ में रिलीज हो रहा है। इस एनिमे का फर्स्ट सीजन लास्ट ईयर रिलीज हुआ था विद सम ग्रेट टाइटल्स लाइक अटैक ऑन टाइटन फिनाले, जुजुत्सु काइजन सीजन 2 और विनलैंड सागा सीजन 2। ओशिनोको का फर्स्ट एपिसोड देख के तो सभी लोगों को ऐसा लगा था कि ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ नॉर्मल एनिमे होने वाला है, लेकिन जैसे ही लोग फर्स्ट एपिसोड के एंड तक पहुंचे उन्हें पता लगा कि ये एनिमे एक नॉर्मल एनिमे नहीं है। ये स्टोरी फॉलो करती है 16 साल की आई होशिनोको, जो कि एक पॉप आइडल सिंगर है, और फर्स्ट सीजन के अंदर वो प्रेगनेंसी के वजह से हायटस पर चली जाती है। फर्स्ट सीजन देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि आई होशिनो के साथ क्या होता है, सो आई एम नॉट गोना स्पॉइल फॉर दस हु हैवंट वॉच्ड द फर्स्ट सीजन। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि दूसरा सीजन फर्स्ट सीजन से भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, और ये रिलीज होने वाला है जुलाई 2 को हाई डाइव पे। नेक्स्ट एनिमे है नियर ऑटोमेटा वर्जन 1.1A सीजन 2। हाँ, पता है बहुत अजीब सा नाम है, लेकिन मैं अभी आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। फर्स्टली तो ये एक एक्शन वीडियो गेम से अडैप्ट किया गया है, एंड एज द हिस्ट्री सेज एवरी एक्शन वीडियो गेम अडैप्टेशन ऑलवेज फेल्स इन एनिमे फॉर्मेट, लेकिन दिस वन इज एक्सेप्शन। ये बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ, बहुत लोगों को ये एनिमे पसंद भी आया और अच्छे फीडबैक्स भी आए। इसका फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ था जनवरी 2023 में, सो ऑलमोस्ट आफ्टर 1.5 इयर्स वी आर गेटिंग अ सीजन 2 ऑफ दिस एनिमे। इसकी स्टोरी सेट है पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में, जहां पर मशीन लाइफ फॉर्म्स अर्थ पर कब्जा कर लेती है, और उनसे बचने के लिए ह्यूमंस को अर्थ छोड़ के मून पे रहने के लिए जाना पड़ता है, और चांद के ऊपर जाने के बाद इंसानों को एक बहुत ही बढ़िया वाला प्लान दिमाग में आता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है, और वो बेसिकली प्लान होता है कि हम भी उनके जैसे कुछ रोबोट्स बनाएंगे जो उनसे भी पावरफुल होंगे, और वो जाके उनसे फाइट करके अर्थ हमारे लिए वापस कैप्चर कर देंगे। सो या दैट्स द बेसिकली स्टोरी ऑफ दिस एनिमे, और ये एनिमे रिलीज होने वाला है जुलाई 5 को क्रंची रोल पे, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वन टू। अगला एनिमे एक स्पेशल एनिमे है, क्योंकि इसका नाम है सुसाइड स्क्वाड इसेकाई। हाँ, सुसाइड स्क्वाड इसेकाई सुन के आपको लगेगा ये सुसाइड स्क्वाड मतलब डीसी और एनिमे का कोलैबोरेशन कब हो गया। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, सुनो मेरी बात। हमने एनिमे के फॉर्मेट में बहुत सारे सुपर हीरो तो देखे ही होंगे, लेकिन वो अर्थ पे आके लोगों को बचाते हैं, और बेसिक एकदम स्टोरी लाइन होती है जो कि हमें हर बार देखने को मिलती है। लेकिन इसके अंदर हमारे जो सुसाइड स्क्वाड के मेंबर है वो गलती से एक इसेकाई वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। इसमें हमें डीसी के बहुत पॉपुलर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे लाइक हार्ले क्वीन, जोकर और पीसमेकर। सो जैसे कि मूवी में दिखाया गया है, इसमें भी कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है। एक टास्क फोर्स होती है एक्स नाम से, जिसके ये सारे मेंबर्स होते हैं, और एक दिन इन्हें कुछ मिशन के लिए एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया जाता है, इसेकाई किया जाता है। और इन्हें जिस काम के लिए इसेकाई किया जाता है वो तो साइड में ही रह जाता है, क्योंकि जिस किंगडम को खत्म करने के लिए इन्हें भेजा जाता है वही किंगडम के लोग इन्हें पहले पकड़ लेते हैं, और फिर उनसे गिड़गिड़ा के बोलते हैं कि भाई हमारा जो एनिमी किंगडम है उनको प्लीज हराने में हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। और आपको तो पता ही है, दीज आर सुसाइड स्क्वाड मेंबर्स, दे लव वायलेंस, सो दे एक्सेप्ट द ऑफर एंड एग्रीज टू हेल्प द किंगडम टू डिफीट द एनिमी किंगडम। और ये भी नहीं भूलना है कि इनके गर्दन पे कुछ नैनो बॉम्ब्स लगे हुए हैं जो कि 72 घंटे में फटने वाले हैं। ये एनिमे इंडिया में रिलीज होने वाला है Amazon प्राइम के Amazon टाइम्स के ऊपर, और उसी के साथ एनीवन एशिया के अल्ट्रा मेंबरशिप पे, और इसके फर्स्ट 3 एपिसोड्स HBO मैक्स और हुलू पे ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, और इसकी एक्चुअल रिलीज डेट है जुलाई 6। अगला एनिमे है फेरी टेल 100 ईयर्स क्वेस्ट। फेरी टेल एक बहुत ही लंबा चलने वाला शोनेन एनिमे है, जो कि 2009 में इनिशियली स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2019 में वो खत्म भी हो गया था। लेकिन उसके बाद में फेरी टेल के ऑथर ने और एक उसका सीक्वल बना दिया था, जिसका नाम रखा गया था फेरी टेल 100 ईयर्स क्वेस्ट, और वही अभी एनिमे फॉर्मेट में आने वाला है। 100 ईयर्स क्वेस्ट में नात्सु और उसके दोस्त कुछ ऐसे मिशंस पर जाते हैं जो कि हजारों सालों से कोई भी विजार्ड कंप्लीट नहीं कर पाया है, एंड दैट्स बेसिकली फॉर द प्लॉट ऑफ इट। अगर आपने ऑलरेडी फेरी टेल के पहले सब सीजंस और एपिसोड्स देख लिए हैं तो आपको ये सीजन भी बहुत पसंद आने वाला है। इसकी रिलीज डेट है जुलाई 7, 2024, और ये आने वाला है क्रंची रोल पे।
अगला और मस्ट वॉच एनिमे है जो कि आपको 100% देखना चाहिए और आपने ऑलरेडी पहला सीजन इसका मोस्ट प्रोबेबली देखा ही होगा, वो है टावर ऑफ गॉड। यस, इसका पहला सीजन 2020 में रिलीज हुआ था ऑलमोस्ट कोरोना के टाइम पे, सो उसके वजह से मोस्टली लोगों ने इसका एनिमे वर्जन देखा ही है। ये एक बहुत ही पॉपुलर वेबटून पे बेस्ड है और इसको मैनहुआ के दुनिया का वन पीस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग वन पीस जितनी अच्छी है, आई मीन पर्सनली अच्छी तो है लेकिन नोवेयर नियर एज वन पीस ब्रो। वन पीस वर्ल्ड इज ह्यूज, इसके तो बस टावर के बाहर कुछ भी नहीं है। एंड मोर देन टावर ऑफ गॉड, दिस इज लाइक टावर ऑफ बाम व्हेन ही सीज रैचल। स्पॉइलर वार्निंग, पहले सीजन में हमने जैसे देखा था रैचल ने बाम को बहुत गंदी तरह से बिट्रे कर दिया था। एक सीधा साधा सिंपल सीन बंदा होगा तो उस लड़की का पीछा वो छोड़ देगा इतना सब कुछ होने के बाद, लेकिन नहीं, बाम अपने जख्मों पे बाम लगा के वापस से उस लड़की के पीछे भागने लगता है और दिस टाइम ही इज ट्राइंग टू फाइंड हर सो दैट ही कैन फाइंड आंसर्स व्हाई शी बिट्रेड हिम। क्या करना भाई, बंदा पागल हो गया बंदी के पीछे, लेकिन हमें क्या, हमें तो सीजन 2 मिल रहा है, बहुत बढ़िया। सीजन 2 और सीजन 1 के बाम में बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। जहां पर पहले सीजन में हमें बाम एक बहुत ही इनोसेंट और नाइव लड़का दिखा था, दूसरे सीजन में बाम एक बहुत ही अल्फा सिग्मा और बेटा वाला स्किबिडी टॉयलेट रिजलर वाला बाम दिखने वाला है। इसका सीजन 2 रिलीज होने वाला है July 7th, 2024 को और यह भी आने वाला है क्रंचीरोल के ऊपर। सो मेक श्योर टू वॉच टावर ऑफ गॉड सीजन 2। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, फालतू का इंट्रो मैं अभी नहीं दूंगा। अगर आपको सब्सक्राइब करना होगा तो आप कर लोगे, अगर आपको नहीं करना होगा तो मुझे क्या, लाइक करो बस जाते वक्त। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।